हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरजीत। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। अगर आप रोज इंग्लिश में एक नया वर्ड जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उनके रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, जो रियल यूजेज है वो जानना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक नया वर्ड जो है अब्यूज। अब्यूज एक वर्ब है और ये बहुत ही कॉमन इंग्लिश का वर्ड है जो आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड के, हम थ्री सेंसेस में इस वर्ड को यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम करते हैं सेंस वन। सेंस वन का अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से यूज करना, खास तौर पर जो मोरली, जो नैतिक तौर पर गलत है या आपके लिए या किसी और के लिए हार्मफुल है, मतलब हानिकारक है। आइए देखते हैं इसके रिलेटेड हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे इसे यूज करते हैं। एग्जांपल नंबर वन, वी हैव सीन मैनी टाइम्स दैट पुलिसमैन अब्यूज देयर पावर। मतलब कि हमने कई बार देखा है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी पावर का गलत प्रयोग करते हैं। अगली एग्जांपल देखिए, डोंट अब्यूज ड्रग्स, इट इज नॉट गुड फॉर यू। मतलब कि जो दवाइयों का गलत प्रयोग ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आइए चलिए अब बात करते हैं सेंस टू की। अगर सेंस टू को हम देखें तो इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या कुर्व्यवहार करना किसी से या किसी चीज से। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो यूज होती हैं। She was physically abused when she was a child. मतलब उससे शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था जब वह एक छोटी बच्ची थी। अगली एग्जाम्पल देखिए, She was sexually abused at the public place, but no one helped her. मतलब उससे यौन दुर्व्यवहार हुआ पब्लिक प्लेस में, बट किसी ने उसकी सहायता नहीं की, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अगली एग्जाम्पल देखिए, डोंट इमोशनली अब्यूज योर चाइल्ड। मतलब अपने बच्चों के साथ मानसिक तौर पर दुर्व्यवहार ना करें, जैसे कि कई माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं है, वो निकम्मे हैं, ऐसा मतलब उनसे मानसिक तौर पर दुर्व्यवहार ना करें। आइए अब करते हैं सेंस थ्री। सेंस थ्री का मतलब होता है किसी के साथ बुरा बोलना, किसी को बुरा बोलना या किसी को गालियां देनी। आइए इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जांपल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं। हिज गर्लफ्रेंड ऑलवेज अब्यूजेस हिम व्हेन ही फेल्स टू फुलफिल हर डिजायर। मतलब कि उसकी जो प्रेमिका है उसे हमेशा ही गालियां देती है या बुरा भला कहती है जब वह उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में नाकाम हो जाता है। अगली एग्जाम्पल देखिए, द क्राउड abused him when he failed to point in the match. मतलब कि जो क्राउड था, जो भीड़ थी, उसने उसे गालियां दी या बुरा भला कहा जब वह मैच में स्कोर करने में फेल हो गया या विफल हो गया। आइए अब वर्ड बिल्डर पोर्शन करते हैं। जैसे हमने वर्ड अब्यूज वर्ब में किया, वैसे ही ये वर्ड जो नाउन में यूज होता है, और यही तीन सेंसेस में ये वर्ड यूज होता है। अगर आप इस वर्ड के बारे में, अब्यूज जो नाउन है उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप इसके रिलेटेड मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं। और जो पर्सन जो ऐसा दुर्व्यवहार करता है जो हमने थ्री सेंसेस में की थी, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे अब्यूजर कहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर इंग्लिश में आती हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फेसबुक पेज से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं वीडियो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करूँगा।